इसरो 14 जुलाई को दोपहर में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। इसके लिए रॉकेट को असेंबलिंग यूनिट से निकालकर लॉन्च पैड की ओर रवाना कर दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। लॉन्चिंग के बाद व्हीकल मार्क 3 रॉकेट LMV-3 के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5वां चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इस बार चंद्रयान 3 चंद्रमा के चारों ओर 5 चक्कर लगाने के बाद ही लैंड करेगा। मिशन चंद्रयान 3 एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्र की सतह पर गठित रहस्यों को खोजना है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य चंद्र के उपग्रही स्थल पर एक वाहन रोवर को प्रेक्षित करना है और अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों को भी संपादित करना है। इस मिशन का लक्ष्य है चंद्र की सतह पर गठित रहस्यों के विज्ञान को बढ़ावा देना, उपग्रही स्थल पर वैज्ञानिक प्रयोगों का अध्ययन करना, उपग्रही स्थल पर एक रोवर को सफलतापूर्वक प्रेक्षित करना और उपयोग करना, चंद्र की सतह पर जल और वायुमंडल के तत्वों का अध्ययन करना तथा उपग्रही स्थल पर अभिकरणीय और विद्युत ऊर्जा के संसाधनों की खोज करना। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 इंजन लगे हैं। हर इंजन 800 न्यूटन ऊर्जा पैदा करता है। इस बार चंद्रयान 3 में सेंसर लगा है ताकि लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति और पत्थरों से लैंडर को बचाने में सेंसर्स मदद करेंगे।